हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पी वाई क्यू इन वन मिनट। आज हम सीबीएसई 2023 के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर से आया हुआ एक एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे को एक टेस्ट ट्यूब गिवन है। टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट गिवन है और उसको नीचे से हीट किया जा रहा है। हीट करने पर उसके अंदर से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। हमें रीजन बताना है कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स क्यों निकलती है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जब भी लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो कौन सी रिएक्शन होती है। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड का एक पाउडर बनता है येलो कलर का। वैसे तो ये भी पाउडर में होते हैं तो येलो कलर का हो जाएगा। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनेंगे और साथ में ऑक्सीजन निकलेगी। तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से क्या बन रही है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स बन रही है। तो इससे रिलेटेड जो भी कोई ऑप्शन करेक्ट होगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पहला ही ऑप्शन वैसे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फिर भी हम आगे के ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। आगे के ऑप्शंस में गिवन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम थोड़ी ना बनता है, वो तो येलो कलर का हो जाता है। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ही नहीं हो रही है, यहाँ तो रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकते, दोनों में ही ऑक्सीडेशन बोला हुआ है। तो हम बोल सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी तरीके के और वन मिनट पीवाईक्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।